दोस्तों तुर्की से आ रहे इस सनसनीखेज खबर ने सबको हिला दिया है। दोस्तों जब आप ये खबर सुनेंगे तो आप भी हिल जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों आप बेहोश हो जाएंगे जब आप ये खबर सुनेंगे। जी हाँ दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने इसराइल को लेकर अपना रवैया बदला। एर्दोगान ने तुर्की के मदद के लिए सब्जियों से भरा एक जहाज रवाना किया जो इसराइल तक पहुंच भी गया। दोस्तों जी हाँ, ये खबर बीबीसी ने छापी है, हम आपको स्क्रीनशॉट पर दिखाते हैं। आप देखिए, गाजा पर जारी इजरायली हमलों के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसमें दावा किया गया है कि सब्जियों से लदा तुर्की का एक जहाज इजरायल के लिए रवाना हुआ है, जो मदद के लिए है, इजरायलों के मदद के लिए है। दोस्तों 17 अक्टूबर मंगलवार की शाम तुर्की के एक समाचार एजेंसी ने यह छापा था कि तुर्की ने ऐसा कोई जहाज इजरायल के लिए नहीं भेजा है, लेकिन दोस्तों आज बिल्कुल पर्दाफाश हो गया है, एर्दोगान का रुख बिल्कुल बदल गया है। दोस्तों आज तक हमने यही सुना था कि एर्दोगान मुसलमानों के मसीहा हैं, मुसलमानों का हमदर्द है, लेकिन शायद दोस्तों हमने गलत सुना था या हमें गलत फहमी हो रही थी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आज एर्दोगान की इस हरकत ने सबको हिला दिया है। दोस्तों जब ये खबर फिलिस्तीन तक पहुँचेगा तो उन लोगों को कैसा लगेगा, आप जरा समझ सकते हैं, आप जरा सोच सकते हैं। दोस्तों पूरी खबर देखिए, तुर्की ने यह खंडन इजराइल से आ रही खबरों के बाद किया, जिसमें कहा जा रहा है कि तुर्की से मदद लेकर आया एक जहाज हाइफा बंदरगाह पर रुका है, जिस पर 4,500 टन सब्जियां लदी है, उनमें 80% टमाटर हैं। यह बीबीसी की रिपोर्ट है, आप देखिए। दोस्तों यह खबर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि एर्दोगान ऐसा कर सकता है, यहूदियों के लिए मदद का सामान भेज सकता है, वो भी एर्दोगान जो मुसलमानों का मसीहा हुआ करता था, मुसलमानों का हमदर्द हुआ करता था, मुसलमान उसको हमदर्द मानते थे, अपना मसीहा मानते थे, अपना नेता मानते थे, लेकिन यहूदियों के लिए मदद के लिए सामान किस तरह से भेजा जा रहा है, चोरी चोरी चुपके चुपके आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों आपको पता है और पूरी दुनिया को पता है कि फिलिस्तीन और इसराइल में जो जंग हो रही है, लगातार 18 दिन से जंग चल रही है, लड़ाई चल रही है, उसमें न जाने कितने लोग, कितने बच्चे, कितने औरत, कितने बुजुर्ग मलबे के नीचे दबे हैं और उनकी चीखें आज पूरी दुनिया सुन रही है, लेकिन पूरी दुनिया खामोश है। 57 मुसलमान देश है दोस्तों, लेकिन कोई काम का नहीं है। आज ही एक खबर में हमने पढ़ा कि फिलिस्तीनी साउथ कोरिया और रूस के राष्ट्रपति का फोटो लेकर के घूम रहे हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं, जबकि हमारा मुस्लिम देश 57 मुस्लिम देश है, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा है। ये बहुत ही घटिया खबर है दोस्तों, बहुत ही शर्मनाक खबर है। इसराइल के आतंकियों ने अब तक 17-18 दिन से फिलिस्तीन पर बम की बारिश कर रहा है और लगातार गोलियों से भूंज रहा है फिलिस्तीनियों को, और अब तक 10,000 से ज़्यादा जाने जा चुकी है और उसमें ज़्यादातर बच्चे और औरतें थीं। इतना सब होने के बावजूद भी ये खबर आ रही है, यहूदियों के लिए मदद का सामान एर्दोगान भेज रहा है, जबकि फिलिस्तीनियों को भेजना चाहिए, फिलिस्तीनियों को मदद करना चाहिए एर्दोगान को, लेकिन बिल्कुल यहाँ उल्टा है दोस्तों। तो ये खबर आप सुन के यूँ ही खामोश ना रहें, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, हर जगह फैला दें ताकि एर्दोगान का सच्चाई सबको पता चले।